स्वागत है आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का आरसीआई की ऑनलाइन क्लासेस में। प्यारे विद्यार्थियों, हमारा तीसरा पाठ जो चल रहा था उसमें अगला टॉपिक है समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होता है, समान होता है। यानी कि समविभव पृष्ठ की बात करें, सम माने एक जैसा, विभव मतलब विभव, पृष्ठ यानी कि ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। तो क्या परिभाषा हो जाएगी, ऐसा पृष्ठ जिस पर विभव का मान सभी बिंदुओं पर समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक, जैसे अगर हम बात करें तो ये हमारे पास कोई चालक धातु है, ये प्लेट है, तो इसके प्रत्येक बिंदु पर अगर अपन बात करें, अगर ये समविभव पृष्ठ है तो प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या रहता है, समान रहता है। इसके समविभव पृष्ठ के कुछ गुणधर्म देख लेते हैं, गुणधर्म समविभव पृष्ठ के। पहला गुणधर्म है कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, अतः विभव समान है तो दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर क्या रहेगा। जैसे मान लीजिए इसका विभवांतर V1 है, इसका विभवांतर V, इसका इस बिंदु का A का तो है V1 और B बिंदु है इसी प्लेट पर, उसका विभव है V2, तो विभवांतर जो है V1 - V2 वो हमेशा क्या रहता है, जीरो। यानी कि समविभव पृष्ठ के दो बिंदुओं के मध्य विभव में अंतर या विभवांतर जो है, दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर, वो विभवांतर क्या रहता है बेटा, शून्य रहता है। ठीक, दूसरा कि समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य जो है वो शून्य होता है। किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। किया गया कार्य शून्य होता है। शून्य कैसे हो रहे हो, V बराबर होता है W/Q, और जब विभव शून्य होगा विभवांतर, तो कार्य भी क्या होगा बेटा, शून्य होगा। ठीक है, तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर समविभव पृष्ठ पर कहीं पर भी एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाएंगे तो किया गया कार्य हमेशा क्या रहता है, शून्य। तीसरी अगर अपन बात करें तो अगर कोई बिंदु आवेश है तो बिंदु आवेश पर जो विभव का मान है वो कैसे रहता है, वृत्ताकार रूप में। यहाँ ये कोई बिंदु आवेश है तो इस गोलाकार भाग में सभी बिंदुओं पर विभव समान, यहाँ पे सभी बिंदुओं पर विभव समान, यहाँ भी सभी बिंदुओं पर विभव समान रहेगा। यानी कि कोई भी बिंदु आवेश है तो उसके समविभव पृष्ठ कहाँ बनेंगे, गोलाकार रूप में बनेंगे, वृत्ताकार रूप में बनेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब स्थिर आवेश पर जो आपका समविभव पृष्ठ बनेगा वो वृत्ताकार रूप में बनता है। चौथा जो मुख्य गुणधर्म है वो है विद्युत क्षेत्र की दिशा। विद्युत क्षेत्र की दिशा जो समविभव पृष्ठ है उसमें पृष्ठ के लंबवत होती है। कहा होगी, पृष्ठ के लंबवत। ठीक है, पांचवा पॉइंट देखे हैं तो जो चालक धातुएं हैं या हम धातुओं की, केवल धातुओं की बात करें तो इनका जो चालक धातुएं होती है, कंडक्टर्स जो है उन पर जो जितने भी चालक धातुएं हैं उनका जो पृष्ठ होता है वो पृष्ठ समविभव पृष्ठ की तरह व्यवहार करता है। कैसे व्यवहार करता है, समविभव पृष्ठ की तरह व्यवहार करता है। एक उदाहरण अगर अपन देखें कि कोई मान लीजिए 5 μC का आवेश है और किसी धातु के पृष्ठ पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो किया गया कार्य ज्ञात कीजिए, तो किया गया कार्य क्या होगा, जीरो। कैसे, क्योंकि जो धातु का पृष्ठ है वो कैसा पृष्ठ है, समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ पर किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये समविभव पृष्ठ है और ये इसके कुछ गुणधर्म है। आपको पढ़ने अच्छे से, कोई समझ में नहीं आए तो पूछ लेना, कोई भी डाउट हो तो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास। कमेंट करके पूछ सकते हैं आप, और जो वीडियो चल रहे हैं उनको लाइक करो भाई, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।